अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 2। बच्चों, यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारा सिलेबस फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हो गया है और हमारी रिवीजन स्टार्ट हो गई है। रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला हिस्सा था बुक का नाज़रा कुरान से, और इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में सूरतुल कौसर और सूरतुल असर पढ़ाई थी जो आपने याद करनी थी। तो यही आपका होम टास्क होगा रिवीजन में कि आप ये जो है सूरतें याद करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरह से दूं आपको तो आप करेंगे। आप डेली बेसिस पे जब कुरान पाक यकीनन घर में पढ़ते होंगे या मदरसे जाते हैं, तो आप वहाँ पर सूरतों को ज़रूर याद किया करें, ख़ासतौर पर जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो सूरतुल कौसर, सूरतुल असर आपने दोहरानी है, याद करनी है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको जो एक और मैंने सूरतुल इखलास करवाई थी और इसका तर्जुमा जो है वो होमवर्क में दिया था, तो आपने ये सूरत भी साथ याद करनी है। और तर्जुमा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूंगी लेसन में। अभी आपने ये तीनों सूरतें दोहरानी है, रिवाइज़ करनी है, ताकि आपका नाज़रा कुरान जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। एग्ज़ाम्स में आपके जब पेपर्स में आएगा तो नाज़रा कुरान के भी अलहदा से मार्क्स होते हैं, तो ये सूरतें आपकी नाज़रा कुरान में शामिल होंगी, ठीक है। तो आपने ये सूरतें याद करनी हैं। आज के लिए आपका यही होम टास्क है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।